हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफेक्ट? डिफेक्ट मीन्स एनी डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफेक्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स? व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफरेंस। तो व्हेन द डेविएशन एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर आयन एटम्स आर आयंस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफरेंस। व्हेन द डेविएशन एग्जिस्ट इन अ आइडियल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंटायर रो, द डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। Point defects are classified in three categories. Stoichiometric defect, non-stoichiometric defect, and third इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट डिफेक्ट्स को हम जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इन केस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल आर सच दैट द कैटायंस एंड एनायंस, द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बिकम्स सेम after the defects and the are represented in the ideal chemical form, the defect known as stoichiometric defect. फिर से देखो, the defects arises in a crystal such that the ratio of cations and anions becomes identical in the ideal arrangement of the crystal, the defect known as stoichiometric. स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में अब आपको कई कैटेगरीज मिलेगी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो वन बाय वन हम आते हैं इस डिफेक्ट में। तो इन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्स्ट ऑफ पॉइंट है, दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट? व्हेन द सम पॉइंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, दैट इज द वैकेंट लैटिस साइड्स, the defect known as vacancy defect. In this defect, the density of solid decreases because mass decreases and the volume remain constant. Other jo defect hai, that is the interstitial defects. In this case, kya hota hai? Extra points are present at the interstitial sides. This type of defect is known as interstitial defects. In this defect, the density of solid increases, ठीक है, because mass increases but volume remain constant. And these two types of defect always arises in a covalent compounds, means non-ionic compounds में यह defect जो है create होता है. In case of ionic compound, there are two types of defects, Schottky defect and Frenkel defect. So then I will discuss about Schottky defect and Frenkel defect. Schottky defect and Frenkel defect. In these defects, these defects are arises in case of ionic compounds. ठीक है, तो in case of Schottky defect, when equal number of cation and anions are missing from their crystal lattice, hence electrical neutrality is maintained. These types of defect known as Schottky defect. ठीक है, यहाँ से देखो हमने cation को miss कर दिया, यहाँ से anion को miss कर दिया, तो equal number of cations and anions are missing from their crystal lattice. Electrical neutrality maintained है और equal number of cation और anion का ratio है. That is example of stoichiometric defects. Conditions क्या है? Conditions for this defect. First, this defect is shown by those ionic compounds which have
हाई क्वाड्रेशन नंबर, सीएन मतलब क्वाड्रेशन नंबर, जिनका क्वाड्रेशन नंबर हाई हो। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटाइंस एंड एनायंस, ठीक है, दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट दे हैव हाई क्वाड्रेशन नंबर एंड सेकंड अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटाइंस एंड एनायंस, ठीक है। एग्जांपल NaCl, KCl, CaCl, एग्जांपल है इस कैटेगरी से। दूसरा कंडीशन में देखो, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटाइन और एनायन यहाँ से मिक्स कर रहे हैं, तो इस केस में जो डेंसिटी है सॉलिड की वो डिक्रीज करती है, बिकॉज मास डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन सेम, दैट्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन दिस केस डिक्रीजेस, ठीक है। फिर से देख लो, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटाइन्स एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल लैटिस, हेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। कंडीशन स्कॉटकी डिफेक्ट लिखे है कि दोज आयनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव हाई क्वाड्रेशन नंबर एंड स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटाइन्स एंड एनायंस, NaCl, KCl एंड CaCl, ठीक है। डेंसिटी इस केस में क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डेंसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि टू आयंस इक्वल आयंस कटाइन और एनायंस यहां से मिक्स करें तो वॉल्यूम रिमेन सेम बट मास डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस, द डिफेक्ट नोन एज स्कॉटकी। नेक्स्ट केस में आते हैं, केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, व्हेन अ कटाइन इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड ऑक्युपाइड द इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, इस केस में लो क्वाड्रेशन नंबर शो करते हैं, लो क्वाड्रेशन नंबर एनी कंपाउंड्स हैविंग द लो क्वाड्रेशन नंबर एंड सेकंड अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटाइंस एंड एनायंस, ये दो कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफरेंस। एग्जांपल में आप आओगे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, AgBr, ये दोनों केस में होता है। ये ऐसा एग्जांपल है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं और इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा आयन ऑक्युपाइड नहीं हो रहा है, तो इस केस में इनकी जो डेंसिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। अब इससे प्राइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ना कंडीशन जो है कि अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटाइंस और एनायंस, तो ये सारे एग्जांपल किसको फॉलो करते हैं, बट जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करते हैं। उसका रीजन क्या है कि कैटाइंस आर नॉट ऑक्युपाइड इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ कटाइंस, इसका रीजन होगा। तो ऑल आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने फोर पॉइंट्स बताया, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट स्पेशली जो है नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए था, और ये जो डिफेक्ट है वो स्पेशली आयनिक कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, इन केस ऑफ नॉन स्ट्रक्चरोमेट्रिक डिफेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू डिफाइन द नॉन स्ट्रक्चरोमेट्रिक डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल केमिकल फॉर्मूला, डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चरोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्ट्रक्चरोमेट्रिक डिफेक्ट को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड द मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फर्स्ट हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए दो कैटेगरीज हैं, एक बाय द एनायन वैकेंसीज एंड सेकेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब फर्स्ट वाले केस का आ जाओ, बाय द एनायन वैकेंसीज, इस केस में क्या होता है, दैट इज द क्रिस्टल लैटिस, और यहाँ से क्या हो रहा है कि एनायन रिप्लेस हो रहा है, जब एनायन रिप्लेस होगा तो कैटायन का रेशियो बढ़ जाएगा, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो व्हेन एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप फ्रॉम द वैकेंट साइड, दैट ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ट्रैप सेंटर, that is responsible for the color properties of the substance,
So that is the example of metal access defect. NaCl, yellow color, KCl, violet color, lithium chloride, pink color, all are the example of this categories. Example in case mein kya hai, NaCl, KCl, lithium chloride. तो इन सब्सटेंस के जो कलर प्रॉपर्टीज है दैट रिस्पांसिबल फॉर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट आर सिंपली कॉल्ड एफ सेंटर. इसको हम शॉर्टकट एफ सेंटर का मतलब कलर प्रॉपर्टीज. तो सोडियम क्लोराइड येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर, ये जो कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं ड्यू टू द एफ सेंटर आर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टीशियल साइट्स. इस केस में देखो एक एक्स्ट्रा कैटायन हमने इंटरस्टीशियल साइट्स पे इंट्रोड्यूस किया है और इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बट कैटायन और एनायन का रेशियो इसमें भी डिफरेंट है और इसमें भी डिफरेंट है. तो दिस टाइप्स ऑफ एग्जांपल इज आल्सो कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ये एग्जांपल जस्ट लाइक टू फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, ये एग्जांपल जस्ट लाइक टू स्कॉटकी डिफेक्ट है. इसमें जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये एग्जांपल आप इस कैटेगरीज में जो है देख सकते हो. एंड बोथ आर एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. नेक्स्ट इन केस ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जैसा कि आगे अपने आगे टेस्ट में बताया मेटल एक्सेस में उसके जस्ट अपोजिट कंडीशन होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. तो दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट अराइजेस विद द एलिमेंट्स विच शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दैट्स लाइक ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इन दिस डिफेक्ट अ कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड अ हायर चार्ज प्रेजेंट एट द नेक्स्ट कैटायन्स आर नेबरिंग कैटायन्स. तो इन दिस केस द रेशियो ऑफ कैटायन्स एंड एनायन्स आर डिफरेंट. तो दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट नोन एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं आयरन ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नेक्स्ट एंड लास्ट डिफेक्ट इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट. दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स अराइज व्हेन अ फॉरेन एटम्स प्लेस इन द होस्ट एटम्स आर द vacant interstitial sites. Due to this, the physical properties of the solid substance are changed. ठीक है. Addition of impurities changes the properties of the solid. That process is called doping. So, what is doping? The process of adding impurities of substance so that the change their physical properties is called doping. अब doping जो होगा वो introduce होगा especially in the case of ionic compounds or covalent compounds. तो first हम आ रहे हैं introducing impurity in ionic solid. इस केस में देखो अब क्रिस्टल ऑफ NaCl है, इसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को डोप्ड कर रहे हैं. हुआ अ मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस ऑफ AgCl में कैडमियम क्लोराइड को डोप्ड करें. दो एग्जांपल है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं
ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, आप इसमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड दो। तो आप देखो ये स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, दो सोडियम आयन को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। एक सोडियम आयन पे तो ऑलरेडी अट्रैक्ट हो गया क्योंकि डाई वैलेंट था और ये मोनो वैलेंट है, और यहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है, दैट होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये इंक्लूडिंग डिफेक्ट का स्पेशली इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड बेस्ट एग्जाम्पल है। सिमिलरली AgCl में आप कैडमियम क्लोराइड को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पर कैडमियम आयन जो है दो सिल्वर एटम को रिप्लेस करेंगे और एक पर ऑलरेडी ट्रैप होगी, दूसरे पर होल क्रिएट होगा, दैट होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक पॉइंट हम आएंगे इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड। Introducing impurity in covalent compounds। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज होती है। इसका हम कॉमन एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, 13th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, बोरान, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, एलेड। एंड 15th ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो जनरली जो एलिमेंट ड्रॉप होते हैं उसको हम सर्कल कर दे रहे हैं, इसमें देखो दो तरह की जो है प्रॉपर्टीज जो है लेके करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज होता है। तो अगर यह 15th ग्रुप के एलिमेंट्स 14th ग्रुप में डोप हो रहे हैं या 14th ग्रुप के एलिमेंट्स 13th ग्रुप में डोप हो रहे हैं तो यह जो डिफेक्ट होगा वह इलेक्ट्रॉन रिच डिफेक्ट होता है। इस कंडीशन पे यह एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर 13 ग्रुप 14th में या 14th 15th में डूब हो रहा है तो इसको हम पी टाइप से निकल रहे हैं। ठीक है, तो यही एग्जांपल आपको भी आगे भी दिखा रहे हैं, ये ग्रुप है जो हमें एलिमेंट्स को सर्कल किया है, इनकी डोपिंग होती है। तो अगर 14th ग्रुप में कोई 15th ग्रुप का एलिमेंट, सपोज सिलिकॉन में हमने फास्फोरस को डोप कर दिया, तो अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर फॉर्मिंग द 4 कोवेलेंट बॉन्ड एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। सिमिलरली 14th 13th में डोप्ड है तो कंडीशन होगा। अब उसके अपोजिट जा रहा है, अगर 13th ग्रुप का कोई एलिमेंट 14th में डोप्ड है या 14th ग्रुप का एलिमेंट कोई 15th ग्रुप में डोप्ड है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज होता है और आगे वाला जो था ये इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज जैसे सिलिकॉन में हमने एल्यूमिनियम को डोप कर दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा वहाँ पे होल क्रिएट होता है एंड दैट होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स वाई P-type semiconductor, जिसको हम अभी एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहे हैं। सपोज एग्जाम्पल सिलिकॉन में हमने फास्फोरस को डिप कर दिया जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। हमने लिया जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि इसमें जो डोपिंग होगी 2 टाइप्स की होगी, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटीज। डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज कब होगा, जब 15th ग्रुप के पाइल कोई एलिमेंट जो है 14th ग्रुप में डोप्ड हो या 14th ग्रुप का एलिमेंट कोई 13th ग्रुप में डोप्ड। एग्जांपल हमें लिया है ये सिलिकॉन है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है और इसमें हमने फास्फोरस को डोप किया। ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है 4 है और फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आफ्टर फॉर्मिंग अ नॉर्मल 4 कोवेलेंट बॉन्ड एक एक्स्ट्रा जो है 3 इलेक्ट्रॉन से बच रहा है, तो दैट 3 इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव पोल की तरह इनका जो है मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज द डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज। सेकेंड आपका डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इंप्योरिटीज। इस केस में वो एग्जाम्पल्स आएंगे, अगर कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट 14 ग्रुप में डोप हो रहा है और 14 ग्रुप का एलिमेंट जो है 15 ग्रुप में डोप हो रहा है, तो ये जो है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इंप्योरिटीज होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने सिलिकॉन का ही लिया है, अब इसमें हमने एल्यूमिनियम को डोप किया, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करें, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जहां फोर्थ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है वहां पे क्या होल प्लेट होता है, एंड दैट होल इज इलेक्ट्रॉन होल, एंड होल इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये नेगेटिव पोल, पोल का मतलब हो गया पॉजिटिव पोल, तो ये नेगेटिव पोल की तरफ इनका जो है ये मूवमेंट होता है। तो दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट नोन एज डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इंप्योरिटीज। थैंक यू।